फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी लड्डू की सारी शॉपिंग की चीज़ें जो मैंने ली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, ये लिया है मैंने लड्डू के लिए स्ट्रॉलर, जो मैंने कल की पोस्ट में आप लोगों से शेयर किया था और आप लोगों को सबको ये स्ट्रॉलर बहुत पसंद आया। आप सभी देखना चाहते थे कि मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए और क्या क्या शॉपिंग की है, तो उनमें से फ्रेंड्स कुछ चीज़ें ही आज मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज मैं आधी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो हैवी वाली हैं, और कल ड्रेसेस वगैरह और मुकुट जो भी मैंने बाकी चीज़ें ली है, फिर मैं अगली वीडियो में वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा ये सारी चीज़ें जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है स्ट्रॉलर लड्डू के लिए, बहुत प्यारा और बहुत यूनिक लगा था मुझे फ्रेंड्स ये, और जब इस पर लड्डू बैठे थे तो ये तो और भी प्यारा लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा है, इसमें ऐसे फोर व्हील्स प्रोवाइडेड हैं, और ये इसका दूसरे एक साइड का व्यू है। इसके दूसरे साइड का व्यू में भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे रिबन से फ्लावर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा स्ट्रॉलर है ये फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा है लड्डू के लिए। जब हम लड्डू को बाहर लेकर जाते हैं लड्डू को घुमाने के लिए, तो आप इसमें बिठाकर आराम से लड्डू को ले जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये। और फ्रेंड्स देखिए, ये अम्ब्रेला लिया है मैंने लड्डू के लिए, और ये इस तरीके से रिमूव भी हो जाता है और हम वापस भी इसे ऐसे लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ऊपर इस पर हैवी वर्क है, ऐसे हैवी वर्क से डेकोरेटेड है ये, तो बहुत ही प्यारा लगा ये अम्ब्रेला भी मुझे। और फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों के प्राइजेस मैं एट दी एंड वीडियो के एंड में आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगी। तो अब पहले मैं सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं एंड में प्राइजेस शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है लड्डू का अम्ब्रेला और स्ट्रॉलर, तो बहुत प्रिटी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये। और एक और चीज़ ली है मैंने लड्डू के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये मिनी एसी है लड्डू के लिए जो मैंने लिया है, और कूलर की तरह ही है ये, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत प्यारा है ये भी। और इसमें जो नीचे से आप देख सकते हैं पिंक ट्रे प्रोवाइडेड है, उस ट्रे को आप रिमूव भी कर सकते हैं, मैं दिखाती हूँ रिमूव करके। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसमें इस तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं, आप आइस वगैरह डाल सकते हैं। इसमें अरोमा फ्रेशनर दिया हुआ है, आप आइस के साथ साथ वो फ्रेशनर भी डाल सकते हैं, ताकि लड्डू के आसपास बहुत अच्छी खुशबू आती रहे जब भी हम ये मिनी एसी ऑन करें तो। और फ्रेंड्स, ये है वो अरोमा फ्रेशनर जिसकी मैं बात कर रही थी, वो मुझे इस फ़ैन के साथ ही, मिनी एसी के साथ ही मिला है। और इस तरीके से आप इसे वापस इसे कवर कर सकते हैं ये ट्रे को, इसमें आइस डाल सकते हैं और फिर वापस इसे ट्रे को लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मिनी एसी लड्डू के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे वापस लगाकर दिखा रही हूँ, तो ये लगा दिया मैंने ट्रे, और इसका कलर भी बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा है ये ओवरऑल मिनी एसी। तो आप, और ये फैंस है फ्रेंड्स, इसके आप जो फैंस है वो भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये बटन प्रोवाइडेड है ऑन ऑफ के लिए। और फ्रेंड्स, ये चलता है बैटरी से, या तो आप इस पर बैटरी लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप इसमें, यहाँ पीछे दिया हुआ है, इस यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हैं, और चाहे तो इसके साथ यूएसबी केबल भी प्रोवाइडेड है, तो आप वो केबल से भी इसे ऑन कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से ये वर्क करेगा। ये इसका केबल का स्लॉट है, और ये केबल इसके साथ ही मुझे मिली है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे ये मिनी एसी लड्डू के लिए। वैसे तो लड्डू रूम पर जब होते हैं तो रूम का फ़ैन ऑन ही होता है, कूलर एसी वगैरह सब कुछ ऑन होता है, बट फिर भी फ्रेंड्स, अगर जब लड्डू मंदिर में होते हैं तो ये मैंने उसके लिए लिया है मंदिर में लड्डू के लिए रखने को, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी। आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताना। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ ली है मैंने लड्डू के लिए, ये देखिए, ये लिया है फूल बंगला, तो ये कुछ इस तरीके से है, इसमें ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। ये पूरा मल्टी कलर्ड है, इसमें सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, आप चाहे तो सिंगल कलर भी ले सकते हैं, मुझे मल्टी कलर पसंद आया इसलिए मैंने लड्डू के लिए ये मल्टी कलर्ड
फुल बंगला लिया है। मैं इसका सेटअप करके दिखाती हूँ कैसे लगेगा ये। मैंने उल्टा लगा दिया है, मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ कि आप कैसे इसे लगा सकते हैं फूल बंगला लड्डू गोपाल जी के पास। ये देखिए फ्रेंड्स, और ऊपर इसमें ऐसे हुक्स प्रोवाइडेड हैं, तो इसका हुक पर, ये जो ऊपर हुक्स प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स, इस पर आप फूल बंगला का एक अलग से पैलेट है वो आप लगाएंगे, जैसे झांकी होता है फूल बंगला का वैसे ही आप उसे लगा सकते हैं। मैं लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हुक प्रोवाइडेड है, और इस तरीके से आप इसका फूल बंगले का पैलेट भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसे लगेगा और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। मैं जल्दी ही लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करूँगी और फूल बंगला झांकी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये फूल बंगला, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और ये मुझे मल्टी कलर्ड है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि लड्डू की सारी ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने एक सिंगल कलर नहीं लिया, मल्टी कलर्ड ही लिया है। ये इसका साइड व्यू है फ्रेंड्स। तो ये है हमारे फूल बंगला का कंप्लीट व्यू, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लग रही हैं। आज जो भी हैवी कलेक्शन था, हैवी चीज़ें थी शॉपिंग की, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आगे का नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग थी लड्डू की, और ड्रेसेस वगैरह भी हैं, मुकुट भी लिए हैं मैंने कुछ। तो फ्रेंड्स वो भी बहुत सुंदर ड्रेसेस आई हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने लड्डू के लिए ली हैं, तो वो भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स अब एक और चीज़ दिखाती हूँ लड्डू के लिए, वो भी वो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, बहुत ही प्यारा लगा मुझे वो बेड। तो ये देखिए, ये है लड्डू का बेड, ये इसका बैक व्यू है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये थोड़ा हैवी है और वुडन में ही है, और इस तरीके से इसे डेकोरेट किया हुआ है, बहुत प्यारा बहुत ही सुंदर है ये। तो फ्रेंड्स ये बेड कम सिंहासन है, आप इस पे लड्डू को आराम से बिठा भी सकते हैं, और लड्डू को शयन कराते वक्त इस पे आप आराम से सुला भी सकते हैं। तो 2-in-1 बेड है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा लगा मुझे ये। और आप इस पे पर्दे जो लगे हुए हैं साइड से, वो ऐसे ओपन कर सकते हैं रात को लड्डू को जब सुलाते हैं तो, और आप इसे वापस भी टाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बेड है ये फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को ये बेड कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अब मैं इन सारी चीज़ों के प्राइजेस आपसे शेयर कर देती हूँ। ये बेड लिया है मैंने अराउंड 750 के, और ये जो मिनी एसी है एयर कूलर, ये लिया है मैंने 250 का, और जो लड्डू गोपाल जी का स्ट्रॉलर आप लोगों ने देखा वो मुझे मिला है 400 में, और अम्ब्रेला का कॉस्ट है 100 रुपीज़। और फ्रेंड्स फूल बंगला जो है वो मुझे मिला है 400-420 में। तो फ्रेंड्स ये रहा इन सारी चीज़ों का प्राइजेस। अगर आप और भी कुछ शॉपिंग रिलेटेड क्वेरी से, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, या कुछ भी सवाल हैं जो आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लड्डू गोपाल जी की सारी शॉपिंग कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। और जो लड्डू गोपाल जी का नेक्स्ट शॉपिंग वीडियो है वो भी मैं शेयर करूँगी, आधी चीज़ें ही आज मैं शेयर कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे बताना कैसी लगी ये वीडियो और ये सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लड्डू गोपाल कृपा फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।